फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट नेशनल पार्क एंड रेड डेटा बुक के बारे में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, जो फर्स्ट आई वुड से नेशनल पार्क है ऑफ इंडिया, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। ही आपके वन मार्कर्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, सो रिमेम्बर इट। नाउ द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। क्या क्या स्पेशलिटी है ये भी अपनी कॉपी में नोट करो। दे आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ओएमजी, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसके अंदर हमें बहुत सारे रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं। ये एविडेंसेस हैं कि पहले उधर जंगल में कोई रहता था, ह्यूमंस रहते थे, ट्राइब्स रहती थी। These give us an idea of the life of primitive people. अब वो जो उनने जो कार्विंग कर रखी थी रॉक शेल्टर्स पे, जो उन्हें बना रखा था, तो क्या बताता है उनकी जो रेगुलर उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ उस टाइम पे थी वो कैसी थी, वो उस चीज के बारे में हमें बताता है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन द शेल्टर्स। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने बात की थी पिछले वाले क्लास में कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही है सतपुरा नेशनल पार्क, एंड इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 55 रॉक शेल्टर्स हैं। नाउ फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मेन फाइटिंग, हंटिंग, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. तो वो जो rock shelters उन पे किस चीज की carving की हो गई कि animal और men fight कर रहे हैं, या फिर dance कर रहे हैं लोग, या फिर hunting हो रही है, या फिर लोग musical instrument बजा रहे हैं। तो ये चीजें उसमें दर्शाई गई हैं और कुछ tribes तो अभी भी रहती हैं उस national park में। Now, Project Tiger की मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल, कि वो बचे रहे, क्योंकि जो हमारे टाइगर्स थे वो भी इंडेंजर्ड होते जा रहे थे। एंड आप तो जानते हो नेशनल एनिमल है भाई वो हमारे, तो हम उनको ऐसे एक्सटेंट होने कैसे दे सकते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें बचाने की कोशिश की ये प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। नाउ Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. ये तो हम सबको पता है, endangered होते जा रहे हैं, poaching करते हैं लोग। But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers have been seen here. But Satpura National Park में हमें बहुत ज़्यादा, you know, बढ़ते हुए amount में हमें tigers की संख्या दिख रही है। और इधर बहुत सारे अलग-अलग animals भी रहते थे, like lions, elephants, wild animals. इन सब का जो रहना है वो कम होता जा रहा है due to the disturbance in their natural habitat. In order to protect plants and animals, strict rules जो impose कर दिए गए हैं government of India के द्वारा. Now human activities जैसे कि grazing, poaching is like hunting, that's illegal hunting. And capturing of animals for, you know, skins, hides, furs or teeth, बहुत सारे चीजों के लिए, collection of firewood, medicinal plants, इन सब पे रोक लगा दी गई है। wildlife sanctuaries में थोड़े से तो फिर भी allowed है, but इन animals की poaching ना हो, hunting ना हो, इसलिए हम सब ने, मतलब government of India ने ये सारी चीजें ban कर दी हमारे national parks में। Now some animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. तो some animals जो like कुछ animals क्या हो रहे हैं वो extinct होने की कगार पे, I mean endangered हो रहे हैं, जो बड़े बड़े animals हैं उनके मतलब उनको छोड़कर। Now at times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं small animals की, जो छोटे छोटे animals हैं वो bigger animals को छोड़ के ज्यादा extinct हो रहे हैं, जैसे कि छोटे animals जैसे कि snakes हो गए, frogs हो गए, lizards हो गए। But अब हम तो उनकी poaching कर रहे हैं, हम तो उन्हें kill कर रहे हैं, but अगर हम उन्हें ignore कर रहे हैं, but let me tell you, जो हमारा इकोसिस्टम है, वी कांट इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस इन दैट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोसिस्टम। वो कुछ ना कुछ रोल तो उसमें प्ले करते ही है, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो। सो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ, क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर तो सबको
परेशानी होगी. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. उनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. दे आर द पार्ट ऑफ फूड चेन या फिर फूड वेब्स के पार्ट होते हैं. लाइक फूड चेन, छोटे एनिमल ने बड़े को खाया, बड़े ने और बड़े को खाया, लाइक दैट. नाउ कमिंग टू इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? नाउ ये हमने क्लास 7th में ही पढ़ा है. एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक तरीके से बायोस्फेयर ही हुआ, जहाँ पर आपको प्लांट्स, एनिमल्स या फिर आप कह लो जहाँ पे आपको बायोटिक एंड अबायोटिक चीजें एक साथ मिल जाए विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. जैसे कि ये बेस्ट डायग्राम है, यहाँ पे रॉटिंग लॉग ऑफ वुड है, फंगाई है, यहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर है, सनलाइट है. तो एक तरीके का बायोस्फेयर. नाउ व्हाट इज रेड डेटा बुक, सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टुडेस क्लास. Now, आप सोचते होगे कभी या मतलब इज देयर एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज की कितनी सारी स्पीशीज है जो खत्म होने की कगार पे है. तो उनका कोई रिकॉर्ड करता है कोई या फिर नहीं करता? तो करते हैं. तो एक बुक है रेड डेटा बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बुक मेंटेन की जाती है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक. इंडिया की अलग से उसके रेड डेटा बुक है जिसमें इंडिया के सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम है, और ना ही एनिमल्स, उनके प्लांट्स के भी नाम है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड डेटा बुक ऑफ सिंगापुर. Now, thank you. I hope you understood. If you have any doubts, you can put it in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.